हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। क्रूज ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को मिली क्लीन चिट। क्रूज ड्रग्स केस में बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बड़ी राहत मिली है। करीब 6 महीने की जांच के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB ने आर्यन खान समेत कुल 6 आरोपियों को क्लीन चिट दी है, जबकि 14 अन्य के खिलाफ विभिन्न धाराओं में शिकायत दर्ज करने के साथ ही शुक्रवार को आरोप पत्र दाखिल किया गया। इस मामले में आर्यन खान के अलावा 19 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। 2 को छोड़कर सभी आरोपी फिलहाल जमानत पर बाहर है। NCB के एक बयान में कहा गया कि गुप्त सूचना के आधार पर NCB मुंबई ने जोनल हेड समीर वानखेड़े के नेतृत्व में 2 अक्टूबर 2021 को रेड मारी थी और विक्रांत स्मित, अरबाज आर्यन और गोमित को इंटरनेशनल पोर्ट टर्मिनल मुंबई पोर्ट ट्रस्ट पर, जबकि नुपुर, मोहक और मूनम को कॉर्डेलिया क्रूज पर पकड़ा था। आर्यन और मोहक को छोड़कर सभी आरोपियों के पास से ड्रग्स मिले थे। शुरुआत में NCB मुंबई ने मामले की जांच की, बाद में मामले की जांच के लिए दिल्ली में NCB मुख्यालय की तरफ से संजय कुमार सिंह DDG ऑपरेशन के नेतृत्व में SIT का गठन किया गया। 11 नवंबर 2021 को मामले की जांच SIT ने अपने हाथ में ले ली थी। बयान में कहा गया है कि SIT ने संदेह के बजाय प्रमाण के आधार पर निष्पक्ष जांच की है और इसके आधार पर 14 आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत शिकायत दर्ज की जा रही है। 6 अन्य व्यक्तियों के खिलाफ सबूतों के अभाव के चलते शिकायत दर्ज नहीं की गई है। इस बीच NCB ने शुक्रवार को मामले में आरोप पत्र दाखिल किया। एजेंसी ने रजिस्ट्री के समक्ष आरोप पत्र जमा किया और विशेष NDPS अदालत दस्तावेजों के सत्यापन के बाद इसका संज्ञान लेगी। इस साल मार्च में विशेष अदालत ने जांच एजेंसी को आरोप पत्र दाखिल करने के लिए 60 दिन का समय दिया था। जागरूक टीवी के लिए नई दिल्ली से खास रिपोर्ट।